लो जी मेरे कन्नियों सारिआं नूं सति श्री अकाल किसान जिंदाबाद नमस्कार सलाम अलैकुम। लो जी जिन्हां ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लैन तां कि तुहानूं इदां वीडियो दिखावां। तो लो जी मैं आलू चिकन बना रहा था अभी बैठे, क्योंकि कल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मैं मीट नहीं खाता हूँ, तो इसलिए अभी आज बना रहा हूँ। तो इसमें क्या किया था मैंने, प्याज काटे, सारा कुछ काटा, चिकन विकन काट कर फिर इसमें चिकन मसाला डाल दिया, फिर हल्दी डाल दी और उसके बाद सारा कुछ उसमें नींबू डाला और फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया ऐसी। थोड़ा सा दही डाला था अंदर तो थोड़ी ग्रेवी बढ़िया बन जाती है। तो इनको 2 घंटे छोड़कर फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई किया तेल डालकर, तो क्योंकि फिर वो थोड़ा जो मसाले है ना थोड़ा पक जाते हैं, वरना पानी में डालो तो फिर ऐसे मज़ा जा नहीं आता है। तो फिर थोड़ी दिन इसको भूना तेल में, तो उसके बाद फिर पूरा 2 बार वो पानी डाला इसके अंदर, तो इसको पूरा बना दिया भाई। अब आपके सामने है, देखो टमाटर वगैरह पड़े हुए हैं, हरी मिर्ची है, लेकिन इसमें मैंने लहसुन वगैरह नहीं डाला, अदरक वगैरह। इसको सिंपल तरीके से बनाया है, इसको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं बनाने को मेरे तरीके से। पहले पहले तो मेरे को भाई आधा घंटा लगता था कसम से, अब नहीं, अब तो बहुत ही कम टाइम लगता है बेटा। ये मेरा बच्चा है भाई, तो ऐसे ये लोग हेल्प करते रहते हैं। देखा ग्रेवी बन गई है, सारा कुछ तो मज़े वाली चीज़ बनेगी ये। और मोस्टली मैं ऐसी चीज़ें ना राइस के साथ नहीं खाता हूँ, क्योंकि राइस मेरे को अच्छे नहीं लगते ज़्यादातर, तो मैं इनको सिर्फ रोटी के साथ खाता हूँ। आम का अचार, मिर्च का अचार, हरी मिर्ची, प्याज वगैरह साथ में नींबू वगैरह डाल के तो खाने का मज़ा आता है भाई। सारा दिन अगर काम करोगे या ये करोगे तो खाने के लिए तो टाइम निकालना चाहिए ना। अगर खाने अच्छे तरीके से नहीं खा सकते हो बैठ के तो फिर क्या फ़ायदा यार। तो इसलिए भाई सभी को बोलता हूँ आज खेल के रहा करो प्यार से, कोई फ़ायदा नहीं है इससे, नफरत करो उसमें, नफरत करो भाई, ईगो को ख़त्म करो, ईगो मार देता है बंदे को। तो इसलिए भाई, लेकिन अपन एक बात जरूर है यार, आज तक मजनू नहीं बना, किसी लड़की पे दिल नहीं आया साला। शादी करी थी वो भी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन कोई दिल में नहीं बची आज तक, इसलिए ऊपर वाले की ये दुआ रह गई है कि दिल नहीं टूटा कभी, इसलिए हंसता रहता हूँ। वरना तो आप लोगों की कोई ऐसे गाने सुनता है, वैसे गाने सुनता है, वो गाने नहीं सुने हमने, तो इस मामले में हम लोग फिट हैं, क्योंकि दिल दिया ही नहीं साला किसी को। दिल हो तो बंदा देता है ना, दिल तो टूट टूट के चकना चूर हो चुका है साला जिंदगी में, जब दिल ही नहीं है तो देना किसको है भाई। ना देने वाली ऐसा कोई मिली जिसको पहली नज़र से प्यार हो जाए, ऐसी तो कोई भाई अपनी नज़र में आई ही नहीं है कोई। लगता है ऊपर वाले ने ऊपरी रखी हुई है, उतरी ऊपर जाके मिलना है उसको जा। तो मजाक करता रहता हूँ यार, नहीं वाकई दिल दुल किसी पर नहीं है लड़की पे यार कभी भी। शादी भी जो हुई थी गौरी से वो भी अरेंज मैरिज जैसी हुई थी, उसके पेरेंट्स ने सारा कुछ किया था, मेरे को तो पता भी नहीं कि मेरी शादी होगी, ऐसा हुआ था। कोर्ट में गए, साइन करे, चलो जी शादी होगी है, तो बच्चे हो गए अब अकेले पाल रहा हूँ इनको, तीनों को बहुत जोड़ के ऊपर चली गई है।
तो भाई ये होता है दुनिया में, वो लोग बोलते हैं ये कर लो वो, कैसा बच्चों को छोड़ के कुछ नहीं होता यार, बच्चे पहले होते हैं ज़िंदगी में, इनके सिवाय होता कौन है बेटा। फिनिश कर दर गए, ये देख लो भाई पूरा जूसी जूसी सा बन गया है। कोई हरी मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाला कभी, तो इसको सिर्फ ऐसे ही मसाला, चिकन मसाला वगैरह, ये गरम मसाला वगैरह, हल्दी वगैरह, ये सारा कुछ ऐसे डाल देता हूँ, लेकिन हरी मिर्च मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। तो भाई ये मेरा चिकन आज रेडी हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा देखने के लिए, लेकिन सैंपल बहुत है वहाँ पे, इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 मिनट में A to G हो जाता है इसका, तो ट्राई करके देखना कि कैसा लगा है। देखो तेल सब निकल रहा है इसका ऊपर।